यूपी के महाराजगंज में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ चार दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक पंडितपुर निवासी सतीश ने बच्ची को बुलाया और आरोपी उसे अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया, जहां आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता को होश आया तो उसने घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। अस्पताल आए हुए हमारी लड़की के बलात्कार लोग चार आदमी मिलकर किए हैं, एक का नाम सतीश है। आज जाकर के 6:30 बजे मिली है लड़की, इधर बेहोश में आ रही थी। जब मिली है जाकर रेलवे के पश्चिम साइड में, कह रही हमको कुछ खबरें नहीं है, हम कहाँ पर हैं कहाँ नहीं हैं। तब लेकर के हम लोग हॉस्पिटल भाग गए हैं। वहाँ से पश्चिम साइड से खेत है ना, कोई वहीं से गई थी उधर है, और उधर से लेकर लोग भागे हैं लोग। क्या करने गई थी वो, कब गई थी वहाँ से? 11 बजे गई, वहाँ खेती बाड़ी है अपना, उधर देखने उखने गई होगी। हम तो काम पर गए थे ना, तो 4 बजे हमारे पास फोन आई कि लड़की नहीं मिल रही है, तो हम काम पर से छोड़ कर भागे आकर ढूंढने लगे। तब मिली जा कर के 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे लगभग पहुँचे हॉस्पिटल। तो अभी कैसा है तबियत लड़की का, बच्ची की तबीयत कैसी है? बात ठीक है, नहीं पर बैठी हुई है, दुख सुई लगा हुआ है ना, उसका दवा हुई है वहाँ। थाने में पिटीशन दे दिया गया है। हाँ, क्या कह रही है पुलिस? अब पता नहीं, हम पढ़ परिवानी के लिखा लिखाई है कहा नहीं लिखाई है। हाँ, आदमी पढ़े लिखा तो नजर से देखे लिखाई चीज लिखा था। वही मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि नाबालिग लड़की का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, नाबालिग ने उस पर रेप का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। ये थाना कोठीबाग क्षेत्र की 16 वर्ष की लड़की है। इसका गाँव के पास के ही एक गाँव के लड़के से संबंध था पिछले 1 साल से। आज लड़के ने इसको बुलाया है और उसके बाद जो तहरीर इसके पिता ने दी है उसके हिसाब से उस लड़के ने और तीन अन्य लड़कों ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर मुकदमा 376D IPC का कायम हुआ है। मैंने अभी लड़की से बातचीत की है तो लड़की ने केवल एक लड़के जो जिसने बुलाया था उसके साथ दुष्कर्म की बात स्वीकारी है। बाकी तीन लड़कों के बारे में उसका कहना है कि उसके गांव के लड़के हैं, उन्होंने उसके साथ गाली गलौज किया था। फिर भी लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, अभी रात में ही हो रहा है। कल सुबह इसका 164 का हम बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो लड़के उनमें से पूछताछ के लिए पकड़े गए हैं, जो मुख्य आरोपी है उसको भी पकड़ लिया गया है। शेष दो की भी तलाश हो रही है, जिसको जल्दी हम पकड़ लेंगे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट।